हेलो स्टूडेंट, आज क्लास लेके डिटरमिनेंट का आए हैं, मल्टीपल ऑफ टू डिटरमिनेंट है ना। हेडिंग है मल्टीपल ऑफ टू डिटरमिनेंट। तो आइए देखिए, दो डिटरमिनेंट का मल्टीपल है इसका मतलब दो डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने डिटरमिनेंट ले लिया एबीसी, अल्फा बीटा गामा वन वन वन। दूसरा डिटरमिनेंट मैंने ले लिया यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर वन वन वन। अब दोनों डिटरमिनेंट को हम लोग को मल्टीपल करना है डी वन इंटू डी टू। तो सबसे पहले ये जानिए, जैसे कि हम मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, बताए थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में ओनली एप्लीकेबल रॉ टू कॉलम। कब? मैट्रिक्स में बताए थे, क्या बताए थे? ओनली अप्लीकेबल मैट्रिक्स में रॉ टू कॉलम। डिटरमिनेंट में क्या बोलने जा रहे हैं हम? रॉ टू रॉ, कॉलम टू कॉलम, रॉ टू कॉलम या कॉलम टू रॉ, एकदम क्लियर। मतलब एज यू लाइक, कोई भी आप ले सकते हैं, स्वतंत्र है। मतलब ऐसा फोटो रॉ टू कॉलम का मतलब दिस फोटो, यहां रॉ टू रॉ ऐसा फोटो भी चल सकता है, रॉ टू कॉलम या कॉलम टू रॉ या कॉलम टू कॉलम, कोई भी ले सकते हैं आप। तो आइए चलिए मल्टीपल करते हैं हम। अब आप ही बताइए कि चारों में से क्या पसंद कर लें। अब मेरा एक सजेशन रहेगा, कोई भी ले सकते हैं लेकिन पसंद करिए रॉ टू कॉलम। बोलिए क्यों? क्योंकि आपका जो आदत मैट्रिक्स में जो बन गया है रॉ टू कॉलम करने का, तो वो आदत बार बार आपको हाथ घुमा देगा, इसलिए बेटर है रॉ टू कॉलम ही करिए। तो आइए रॉ टू कॉलम करेंगे, तो दोनों में हमको सुविधा होगा और माइंड में रहेगा भी। ए वन वन बी बीटा वन सी गामा वन, यहां ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वन, बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर वन, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर वन, डी वन डी टू। मान लीजिए रॉ टू कॉलम किए, तो ये रॉ ये कॉलम, गुना कर दीजिए। ए से एम ए स्क्वायर में गुना क्या होगा? ए क्यू प्लस दिस से दिस में गुना तो अल्फा बी स्क्वायर, वन से सी स्क्वायर में सी स्क्वायर। अब एक रॉ से कॉलम में लिए, फिर इस रॉ से इस कॉलम में लेंगे, तो ए गुने अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू दिस, वन इंटू दिस, क्लियर हो गया। फिर रॉ टू कॉलम, तो ए अल्फा इंटू वन तो अल्फा, वन इंटू वन तो वन, सीखे हो जाएगा आप लोग। अब फिर रॉ टू कॉलम, बी इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बी स्क्वायर, वन इंटू सी स्क्वायर, फिर रॉ टू सेकेंड कॉलम, बी इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर तो बीटा क्यूब, वन इंटू गामा स्क्वायर, रॉ इंटू कॉलम, बी प्लस बीटा प्लस वन, फिर रॉ टू कॉलम, सी ए स्क्वायर गामा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर रॉ टू कॉलम, सी अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर वन गामा स्क्वायर, रॉ टू कॉलम, सी गामा वन। बस यही हो गया आपका मल्टीपल ऑफ टू डिटरमिनेंट। रॉ टू कॉलम कर दिया आप, रॉ टू, कोई बच्चा रॉ टू रॉ करेगा तब भी सही कहलाएगा, कोई कॉलम टू कॉलम करेगा तब भी सही कहलाएगा।
अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो आइए क्वेश्चन हम बताए थे आपको, बोले थे 155 नंबर क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर में कि बताएंगे, तो आज समय आ गया है 155 ही पहले बता देते हैं। जी मेन 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है एफ एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन थ्री वन प्लस एफ वन वन प्लस एफ टू वन प्लस एफ वन वन प्लस एफ टू वन प्लस एफ थ्री वन प्लस एफ टू वन प्लस एफ थ्री और वन प्लस एफ फोर इजिकल टू के वन माइनस अल्फा स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर वन माइनस गामा स्क्वायर। बोल रहा है बताइए के का मान क्या हो। तो क्या करते हैं हम, सो ध्यान दीजिए एफ एन दिया हुआ है अल्फा एन बीटा एन, तो अगर एन के जगह वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, टू पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बस यहां थ्री यहां वन प्लस वन पुट करिए तो अल्फा प्लस बीटा, यहां टू पुट करिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर यहां वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहां वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां वन प्लस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा फोर प्लस बीटा फोर हो गया। अब इसको क्या करना है ये ध्यान दीजिए, जैसे हम अभी सिखाए दो डिटरमिनेंट दिया रहेगा, पूछेगा उसको प्रोडक्ट करो तो आप कर लीजिएगा, तो ये नहीं पूछता है आईटी में, उल्टा पूछता है बैक गियर में, यानी प्रोडक्ट वाला ही दिया रहेगा उसी को सेपरेट करना है सोचकर। तो देखिए इसको सेपरेट करना है सोचकर, सोचिए जरा सा, तो सोचेंगे तो पता चलेगा थ्री का मतलब वन प्लस वन प्लस वन, और सब में तीन तीन स्टेप है, तो अरेंज करते हैं यहां पर वन 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 अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर वन 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 अल्फा अल्फा स्क्वायर वन बीटा बीटा स्क्वायर। अब चेक करके देख लीजिए जो आपको दोनों को मल्टीकपल करने पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, रॉ टू रॉ करके देख लीजिए, रॉ रॉ से गुना किए तो वन इंटू वन वन, ये वन ये वन जोड़ के थ्री तो मिल रहा है, फिर इससे इसमें कर लीजिए तो पता चला क्या हो गया। सो ध्यान दीजिएगा इससे इसमें तो वन इंटू वन वन फिर अल्फा स्क्वायर, अगर यहां बीटा रहता तो सेटिंग हो जाता तो आप यहां बीटा कर दीजिए, तो अल्फा बीटा तो यहां कर दीजिए अल्फा स्क्वायर यहां बीटा स्क्वायर। अब देखिए करके तो इससे इसमें किए तो हो जा रहा है, फिर इससे इसमें करिए तो क्या होगा वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कंप्लीट। अब फिर यहां भी आप कर लीजिए बीटा स्क्वायर, सोच करके ऐसा करना पड़ता है तो क्या अरेंज करेंगे ताकि मेरा मल्टीपल इसके बराबर आ जाएगा। अब R2 को लीजिए, R2 इसमें गुना करिए तो 1 इंटू वन वन प्लस अल्फा प्लस बीटा मिल गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब इससे इसे मल्टीपल करिए तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल रहा है, अब इससे इसमें मल्टीपल करिए तो 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, यानी ओके है। अब जब ये ओके है
तो आप इसका मतलब कर सकते हैं कि वन वन वन, वन अल्फा बीटा, वन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है तो होल स्क्वायर हो गया। अब ये डिटरमिनेंट सिंपल हो गया, सिंपल चलिए ऑपरेशन करने। तो ऑपरेशन जब करेंगे तो हम यहां लिखते हैं सी वन डैश सी वन माइनस सी टू, सी टू डैश सी टू माइनस सी थ्री, घटाइए जीरो, घटाइए वन माइनस अल्फा, फिर यहां वन माइनस अल्फा स्क्वायर, जीरो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वन बीटा बीटा स्क्वायर, हो गया। अब आप ऐसा करिए, अब देखो चला, इसमें से आपको वन माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तो क्या मिलेगा जीरो, ये तो कॉमन ही ले लिए तो वन, और वन माइनस अल्फा स्क्वायर का मतलब हो गया वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा, तो वन माइनस अल्फा कॉमन आ गया तो बच गया वन प्लस अल्फा, यहां जीरो यहां वन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया, यहां वन यहां बीटा स्क्वायर, तो आ गया वन माइनस अल्फा वन और यहां अल्फा माइनस बीटा। अब एक मिनट, इस पर जो स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होगा, यहां भी स्क्वायर होगा, और कॉमन लिए तो दोनों पर भी स्क्वायर होगा, वन से एक्सपेंड कर दीजिए तो कितना मिला अल्फा प्लस बीटा माइनस वन माइनस वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा अल्फा कट गया। अच्छा, तब आपका यहां हो गया वन माइनस अल्फा का स्क्वायर, वन माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो बीटा माइनस वन है या वन माइनस बीटा है, एक ही चीज हो, यहां हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये मेरा रिजल्ट आया डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, और रिजल्ट दिया हुआ था यहां पर आपको क्वेश्चन में, मिला लीजिए, थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, कहां गया क्वेश्चन, यहां अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है नॉट गामा, तो बोल रहा है इसके आगे यहां दिया था के, इतना इक्वल टू लिख दीजिए के वन माइनस अल्फा स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और पूछ रहा है बताइए के का क्या मान होगा, तो बताइए हम लोग डी का मान इतना लाए, यहां भी इतना मान है, इसका मतलब अंडरस्टूड है के का मान क्या होगा वन, तो लिखिए के इज इक्वल टू वन। अब इसके बाद इस पर हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, तीन प्रॉब्लम और बताएंगे दमदार दमदार, देखिए 137 नंबर, IIT 94 है ये, कह रहा है प्रूव दैट कॉस ए माइनस पी कॉस ए माइनस क्यू कॉस ए माइनस आर कॉस बी माइनस पी बी माइनस क्यू बी माइनस आर सी माइनस पी सी माइनस क्यू सी माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, तो देखिए फॉर्मूला ब्रेक कर दीजिए ट्रिगोनोमेट्री का, कॉस ए इंटू कॉस पी प्लस साइन ए इंटू साइन पी, यहां भी ब्रेक कर दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस क्यू प्लस साइन ए इंटू साइन क्यू, यहां भी ब्रेक कर दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस आर प्लस साइन ए इंटू साइन आर, यहां भी लीजिए कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस पी साइन बी इंटू साइन पी,
कॉस बी इंटू कॉस क्यू, साइन बी इंटू साइन क्यू, कॉस बी इंटू कॉस आर, साइन बी इंटू साइन आर, कॉस सी इंटू कॉस पी, साइन सी इंटू साइन पी, कॉस सी इंटू कॉस क्यूब, साइन सी इंटू साइन क्यूब, कॉस सी इंटू कॉस आर, साइन सी इंटू साइन आर बराबर। अब जो है देखिए, अब इसमें डिटरमिनेंट का जो मल्टीपल कर रहे हैं तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि सब में तीन टर्म होता है, तो यहां एक टर्म और दो टर्म ही है, तो एक टर्म अपने मन से लगा दीजिए, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और सेटिंग करिए इसको। तो देखिए, जब इसको आप सेटिंग करेंगे तो यहां कॉस ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए साइन बी साइन सी, जीरो जीरो जीरो, यहां पर कॉस पी कॉस क्यूब कॉस आर, साइन पी साइन क्यूब साइन आर, जीरो जीरो जीरो। बस अब चेक कर लीजिए कि भाई हम जो किए हैं इसको मल्टीपल करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए रॉ टू रॉ गुना करके देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी गुड, साइन ए इंटू साइन पी बहुत अच्छा, अब इससे इसमें कॉस ए इंटू कॉस क्यू वेरी गुड, साइन ए इंटू साइन क्यू मिल रहा है, फिर इससे इसमें कॉस ए इंटू कॉस आर, साइन ए इंटू साइन आर मतलब मिल रहा है। तो अब बताइए, यानी इस डिटरमिनेंट को ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट में लिख दिए, अब दोनों डिटरमिनेंट में देख रहे हैं कि एक कॉलम का ऑल एलिमेंट जीरो है, यानी रिजल्ट जीरो होगा, तो जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब आपका क्वेश्चन है एक 136 नंबर, कह रहा है ए एक्स वन स्क्वायर बी वाई वन स्क्वायर सी जेड वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स टू स्क्वायर बी वाई टू स्क्वायर सी जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स थ्री स्क्वायर बी वाई थ्री स्क्वायर सी जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू डी, फिर ए एक्स टू एक्स थ्री बी वाई टू वाई थ्री सी जेड टू जेड थ्री बराबर ए एक्स थ्री एक्स वन बी वाई थ्री वाई वन सी जेड थ्री जेड वन बराबर ए एक्स वन एक्स टू बी वाई वन वाई टू सी जेड वन जेड टू बराबर एफ, देन प्रूव दैट x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 बराबर d माइनस एफ d प्लस 2f का पावर 1 बाई टू बाई एबीसी बाई एबीसी, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत पहलवान लग रहा है, आप लोग को डरिए मत, बहुत गर्दा तरीका इसके बता रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन में ऐसा करते हैं, यहां हाफ का मतलब रूट हो गया, तो हाफ को खत्म करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहां मिलेगा एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री का स्क्वायर d माइनस एफ का होल स्क्वायर d प्लस टू एफ बाई एबीसी। अब ले लीजिए इसका एनएचएस पार्ट, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो मल्टीपल में
एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। दो ले लिए, अब दोनों को मल्टीपल तो करना है, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा एक टेक्निक है, बोलिए कि अगर मल्टीपल करेंगे मान लीजिए तो एक्स वन क्या मिलेगा, एक्स वन का स्क्वायर, और यहां पर क्या है ए एक्स वन स्क्वायर, इसका मतलब ए तो कहीं से लाना होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, फिर बी वाई वन स्क्वायर, फिर सी जेड वन स्क्वायर, इसका मतलब एक्स वन में ए से मल्टीपल, y1 वाले में b से मल्टीपल और z1 वाले में c से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये दोनों पार्ट को यहां से मिटा लेते हैं, चलिए या यहीं देखिए, वन बाय ए बी सी कर दीजिए, a से गुना कॉलम में कर दीजिए, तो ए एक्स वन ए एक्स टू ए एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री, जेड वन जेड टू जेड थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री, जेड वन जेड टू जेड थ्री। अब कोई बच्चा के मन में होगा सर इसमें ए से गुना कर दिए, इसमें बी से गुना कर दिए, इसमें सी से गुना कर दिए, इसमें नहीं किए। अगर उसमें करेंगे मान लीजिए a से, तो गुना करने पर ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां है क्या ए एक्स वन स्क्वायर, इसका मतलब दोनों में किसी एक में मल्टीपल करना होगा, कर दिए एक में मल्टीपल। अब इसको आप मल्टीपल करिए, कैसे मल्टीपल करिएगा वो देख लीजिए, रॉ टू कॉलम करेंगे कि रॉ टू रॉ करेंगे, सोचने वाली बात है। अगर रॉ टू कॉलम करिएगा तो क्या होगा, ए एक्स वन स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन फिर इससे इसमें बी वाई वन एक्स टू जो नहीं है, इसका मतलब रॉ टू रॉ मल्टीपल करना होगा। तो अब आइए रॉ टू रॉ मल्टीपल करिए, ए एक्स वन एक्स वन, बोलिए ए एक्स वन स्क्वायर, बी वाई वन वाई वन, बी वाई वन स्क्वायर, सी जेड वन जेड वन, सी जेड वन स्क्वायर हो गया। फिर रॉ टू ये कॉलम में ए एक्स वन एक्स टू, ए एक्स वन एक्स टू, बी वाई वन वाई टू, सी जेड वन जेड टू, फिर इससे इसमें ए एक्स वन एक्स थ्री, बी वाई वन वाई थ्री, सी जेड वन जेड थ्री। अब फिर इससे इसमें गुना करिए ए एक्स टू एक्स वन, ए एक्स टू एक्स वन, इससे इसमें बी वाई टू वाई वन, सी जेड टू जेड वन, फिर इससे इसमें ए एक्स टू स्क्वायर, बी वाई टू स्क्वायर, सी जेड टू स्क्वायर, फिर इससे इसमें ए एक्स टू एक्स थ्री, बी वाई टू वाई थ्री, सी जेड टू जेड थ्री। फिर अब इससे इसमें मल्टीपल करिए आर वन में, ए एक्स थ्री एक्स वन, बी वाई थ्री वाई वन, सी जेड थ्री जेड वन, फिर इससे इससे मल्टीपल करिए ए एक्स थ्री एक्स टू, बी वाई थ्री वाई टू, सी जेड थ्री जेड टू, फिर इससे इससे मल्टीपल करिए ए एक्स थ्री स्क्वायर, बी वाई थ्री स्क्वायर, सी जेड थ्री स्क्वायर। अब ऐसा करिए यहां पर ए एक्स वन स्क्वायर बी वाई वन स्क्वायर, स्क्वायर वाला जो है क्या मान दिया हुआ डी, आप यहां क्या लिखेंगे डी, और मल्टीपल वाला क्या है एफ एफ एफ, फिर एफ डी एफ 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 डी, और इसके आगे हम लोग मल्टीपल किए थे जो छूट गया है वन बाई ए बी सी, वन बाई एबीसी। अब डिटरमिनेंट को ऑपरेशन कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सी वन डैश सी वन जोड़ सी टू जोड़ सी थ्री,
डी प्लस टू एफ, डी प्लस टू एफ, डी प्लस टू एफ, एफ डी एफ 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 डी। अब अगला बार डी प्लस टू एफ कॉमन ले लीजिए, क्या मिल गया, वन 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 एफ डी एफ 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 डी। अब आपको डी प्लस टू एफ बाई एबीसी तो है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आर वन डैश आर वन माइनस आर टू, आर टू डैश आर टू माइनस आर थ्री, जीरो जीरो वन एफ माइनस डी, डी माइनस एफ एफ, जीरो एफ माइनस डी डी, बराबर डी प्लस टू एफ बाई एबीसी। वन से एक्सपेंड कर दीजिए, क्रॉस करिए, एफ माइनस डी का स्क्वायर, डी प्लस टू एफ बाई एबीसी, और एफ माइनस डी रहे या डी माइनस एफ रहे बात एक ही है। ओके, तो सेवा दैन चला खत्मा हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। अब अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, फिर आगे यूज ऑफ सिग्मा बताइए सब क्लास में, ठीक है। तो सेवा दैन, जय हिंद, सबको प्रैक्टिस करते रहिए, डिटर्मिनेंट से डरिए मत, जितना ऑपरेशन से मन लगता है सबको प्रैक्टिस करिए, इसलिए इतना क्वेश्चन बताए हैं ताकि डिटर्मिनेंट आपका बहुत बेटर हो। कुछ बच्चे हमको कमेंट करके बताया कि सर मेरा ऑपरेशन वीक हो रहा है, ऑपरेशन कम समझ में आ रहा है, इसलिए इतना ऑपरेशन पर क्वेश्चन बताए, इतना क्वेश्चन बताए हैं, सबको बना लीजिए तो गर्दा उड़ जाएगा, एकदम धूम मचा देंगे आप। ओके।